मुंबई शहर की बारिश इस बार प्रोड्यूसर करण जौहर के लिए मुसीबत बनकर आई है। खबर है कि करण जौहर के प्रोडक्शन में बन रही फिल्म कलंक का सेट धराशाही हो गया है, जिसकी वजह से फिल्म की शूटिंग बीच में ही रोकनी पड़ी है। निर्देशक अभिषेक वर्मन की इस फिल्म में आलिया भट्ट के साथ वरुण धवन, सोनाक्षी सिन्हा, संजय दत्त, माधुरी दीक्षित और आदित्य राय कपूर जैसे दिग्गज अभिनेता मेन लीड में नजर आने वाले हैं। मुंबई के चित्रकूट मैदान पर बना ये सेट 25 जुलाई को पूरी तरह से गिर गया है, जिसके चलते 15 दिन के लिए शूटिंग को रोकना पड़ा है। आपको बता दें कि अब तक फिल्म कलंक के सेट पर शूटिंग के दौरान वरुण धवन, आलिया भट्ट और आदित्य रॉय कपूर तीनों घायल हो चुके हैं। मेगा बजट फिल्म कलंक की कहानी 1940 के आसपास की है, जो भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बैकड्रॉप पर बन रही है। ये फिल्म 19 अप्रैल 2019 में सिनेमाघरों में रिलीज होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम इंडियन फिल्म हिस्ट्री।